हेलो फ्रेंड, आज मैं दिखाऊंगा एलजी टीवी का और एक फॉल्ट रिपेयर। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं यह एलजी कंपनी का टीवी है। इसका जो प्रॉब्लम हुआ है, टीवी ऑन हो रहा है लेकिन डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं ये प्रॉब्लम कहाँ से हुआ है और क्यों हुआ है। तो पहले टीवी ऑन करके दिखाऊंगा इसका जो प्रॉब्लम हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं टीवी ऑन हो रहा है लेकिन टीवी स्क्रीन में डिस्प्ले लाइट नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड, ऐसा प्रॉब्लम होने से सीआरटी बोर्ड का सप्लाई वोल्टेज चेक करना होगा और सीआरटी बोर्ड का सप्लाई वोल्टेज चेक करने से ही हमें पता चलेगा ये प्रॉब्लम कहाँ से हुआ है और क्यों हुआ है। यह है सीआरटी बोर्ड, आप देख सकते हैं यहाँ का सप्लाई वोल्टेज हमें चेक करना है 200 वोल्ट और यहाँ का सप्लाई वोल्टेज बेस का एस प्लस सप्लाई एसी 5 वोल्ट सप्लाई चेक करना है। तो यही दो सप्लाई चेक करने से ही ये प्रॉब्लम के लिए ज़रूरत है, लेकिन फिर भी मैं सारा सप्लाई वोल्टेज चेक करके देखेंगे एक बार फिर से। तो आप देख सकते हैं 200 वोल्ट। तो आप देख सकते हैं 200 वोल्टेज 197.8 वोल्टेज के आसपास जो सप्लाई वीडियो आउटपुट ट्रांजिस्टर के लिए, और उसके बाद यहाँ का सप्लाई वोल्टेज देखना होगा रेड ग्रीन ब्लू ट्रांजिस्टर का इनपुट सप्लाई वोल्टेज। तो आप देख सकते हैं तीनों सप्लाई वोल्टेज एक जैसा ही होता है, 2.8, 2.35 वोल्टेज के आसपास। तो फ्रेंड, यहाँ का सप्लाई वोल्टेज बिल्कुल ओके है। तो आप देख सकते हैं तीनों कलर का सप्लाई वोल्टेज सब ठीक ठाक ही है और आप देख सकते हैं एस प्लस सप्लाई एसी वोल्टेज का। तो इसे हमें एसी वोल्टेज रेंज पे रख कर चेक करना होगा। आप देख सकते हैं एसी 5 वोल्ट और 5 वोल्टेज के आसपास यही सप्लाई वोल्टेज चेक करना बहुत ज़रूरी है पिक्चर ट्यूब का डिस्प्ले में लाइट नहीं आने से। तो यही 5 वोल्टेज मिस प्रॉब्लम होने से ऐसा प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। तो देख सकते हैं यही एस प्लस सप्लाई बेस का, यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज भी ओके। तो फ्रेंड, एस प्लस सप्लाई वोल्टेज तो ओके है, लेकिन उसके बाद हम देखेंगे यह का तीनों कलर का जो आउटपुट सप्लाई वोल्टेज है वो वोल्टेज चेक करके देखेंगे रेड ग्रीन ब्लू का। तो देख सकते हैं यह है ब्लू कैथोड का सप्लाई वोल्टेज 200 वोल्टेज का आसपास और यह रेड कैथोड का सप्लाई वोल्टेज
अरे है ग्रीन कैथोड का सप्लाई वोल्टेज। तो फ्रेंड वोल्टेज चेक करने से हमें यहाँ सीआरटी बोर्ड का ऑल सप्लाई वोल्टेज ओके ठीक ठाक ही है, लेकिन फिर भी पिक्चर ट्यूब में डिस्प्ले का लाइट नहीं आ रहा है। इसका मतलब दो चीज़ ही खराब हो सकता है, बेस और पिक्चर ट्यूब। तो पहले बेस चेंज करके देखना होगा क्या कंडीशन है। यह है इसका बेस, आप देख सकते हैं। यह जो पुराना बेस है इसे जैसा थी वैसे मैं चेंज करूँगा अब। और यहाँ पर और एक नया बेस डालना होगा, जैसा थी वैसे ही इसको लगाना होगा। अब इसे ठीक से सोल्डरिंग करना होगा। तो फ्रेंड सीआरटी बोर्ड में नया बेस लगाने के बाद फिर से एक बार टीवी ऑन करके देखना होगा क्या कंडीशन हुआ है, टीवी ठीक हुआ क्या नहीं। तो आप देख सकते हैं टीवी ऑन हो रहा है लेकिन फिर भी इसका लाइट नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स सीआरटी बोर्ड चेक करने से जो हमें पता चला इसका सप्लाई वोल्टेज भी बिल्कुल ओके है और उसके बाद बेस भी चेंज किया लेकिन फिर भी पिक्चर ट्यूब का लाइट नहीं आ रहा है। तो इसलिए इसका मतलब आपको समझना होगा, इसका पिक्चर ट्यूब ख़राब हो सकता है और ख़राब होने का संभावना बहुत है। तो आप पिक्चर ट्यूब चेंज करके देखना होगा। तो फ्रेंड पिक्चर ट्यूब चेंज किया, अब मैं टीवी फिर से एक बार ऑन करके देखूंगा इसका क्या कंडीशन हुआ है, ठीक हुआ क्या नहीं।
तो आप देख सकते वही पुराना बोर्ड है और पिक्चर ट्यूब मैंने चेंज किया। उसके बाद टीवी ऑन करके देखूंगा क्या कंडीशन है। तो आप देख सकते टीवी का लाइट आ गया, बिल्कुल ठीक हो गया। इसका मतलब पिक्चर ट्यूब ख़राब थी। थैंक यू दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह वीडियो मैं हर तरह लाता रहता हूँ।